जैन दोस्तों, मैं पवन रंजन अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSF की गर्ल्स जॉब प्रोफाइल। SSF में गर्ल्स की जॉब की प्रोफाइल कैसी है, किस प्रकार से है, गर्ल्स की जो प्रोफाइल मतलब कि अदर फोर्स से अच्छी है कि नहीं है, आप ही खुद जानकर बता दीजिए। जो भी गर्ल्स देख रही हैं, जो भी भाई देख रहे हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि जॉब प्रोफाइल गर्ल्स के लिए सही है कि नहीं है, कि अदर फोर्सों की जॉब प्रोफाइल अच्छी है। क्योंकि अदर फोर्सों की तुलना करके अगर बताएंगे तो आप खुद ही बता देंगे कौन सी प्रोफाइल अच्छी है, गर्ल्स के लिए अच्छी है, कहाँ रहना है। जैसे अदर फोर्सों में अलग अलग डेट देश के पूरे हिस्सों में रहना होता है, लेकिन जो गर्ल्स है SSF है गर्ल्स की, उनसे पूछिए। अगर पूछ भी कभी मौका मिले पूछिए, या तो हम भी बता देते हैं क्या क्या है, तो बताएंगे केवल दिल्ली में ही रहना है। उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए कौन सी जॉब प्रोफाइल अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हम इनमें एक एक टॉपिक शुरू करेंगे। पहले कि किस प्रकार की ड्यूटी है, किस प्रकार का रहना सहना होगा, खाना पीना क्या होगा, मतलब कि कौन बनाएगा या खुद बनाना पड़ता है, चीज़ सारी चीज़ें, सैलरी कितनी होगी, ड्यूटी कितने घंटे होगी, नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती है, छुट्टी कितनी मिलेगी, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं कि नहीं, ऑफ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गर्ल्स के लिए दी हैं, सुविधाएँ हैं बहुत सारी, वो हम बताएँगे सब आए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले एक चीज़ से, जिसे हम शुरुआत करें उससे पहले हम एक चीज़ बता दें, जैसे आपका कोई भी डाउट हो तो वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमसे पूछ सकता है। तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर ड्यूटी से कि ड्यूटी कहाँ लगती है। दो चीज़ें होंगी ड्यूटी में, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ड्यूटी कहाँ लगती है, ठीक है, और कितने दिन हफ्ते में करनी पड़ती है, तीन चीज़ें बताएंगे ड्यूटी के संबंध में। तो पहली ड्यूटी, ड्यूटी केवल इनकी दिल्ली में ही लगती है, ऑल इंडिया नहीं लगती, केवल दिल्ली में। जब तक आप ड्यूटी करेंगे मतलब कि नौकरी करेंगे, तो और जब तक नौकरी करेंगे तब तक आपको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा। SSF की बात कर रहे हैं हम, SSF में जो भी लड़कियां हैं अगर वो SSF में सेलेक्ट हो जाती हैं, SSF में सेलेक्ट होके, तो उनकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, केवल ऑल टोटली दिल्ली में ही लगेगी ड्यूटी, ये ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करें किसकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है। तो लड़कियों की ड्यूटी 8 घंटे की बनाए रखती है, केवल 8 घंटे की, जनरल शिफ्ट लगाई जाती है लड़कियों की ड्यूटी। ऑफिस ड्यूटी भी सबसे ज़्यादा लड़कियों की दी जाती है, ऑफिस ड्यूटी सबसे ज़्यादा लड़कियों की इसलिए दी जाती है क्योंकि तो सुटेबल हो, वर्दी ना पहन के सिविल में भी आप आ सकते हो ऑफिस ड्यूटी में। ऑफिस ड्यूटी हमेशा सिविल में होती है, अगर जो अदर बिल्डिंगों में ड्यूटी है वहाँ पर वर्दी में ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी में आपको बीच में लंच करने को भी मिल जाता है। जनरल शिफ्ट होती है लड़कियों की, जिसमें 9 to 5 आपको जॉब करने के लिए मिलता है। ठीक है, 9 to सुबह 9 बजे से शाम के 5 या 5:30 बजे तक आपको जॉब करनी होती है, जिसमें लंच भी होता है, सब होता है। ठीक है, आगे बात करें हफ्ते में आपको कितने दिन ड्यूटी करनी है, एक इसके बारे में बात करें तो हफ्ते में केवल आपको 5 ही दिन ड्यूटी करनी है, कौन सी, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, मतलब कि 5 दिन। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हर सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है जाने को, आपको कोई बुला भी नहीं सकता। जैसे अदर फोर्सों में क्या होता है ना, आपको छुट्टी है, कोई काम पड़ गया तो आपको बुला भी सकते हैं, लेकिन SSF में ऐसा कुछ नहीं है। आपने ड्यूटी की, ड्यूटी करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई नहीं बुलाएगा, दोबारा दूसरे दिन आपको ड्यूटी पर ही आना है। जैसे 5 दिन ड्यूटी की, 2 दिन छुट्टी रहेगी ही रहेगी, कोई दोबारा नहीं बुलाएगा आपको। और अगर 5 दिन के अंदर बीच में कोई सरकारी छुट्टी भी हो जाती है वो भी आपको मिल जाती है। जैसे मान लो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर आपका मंगलवार को पड़ गया, 2 अक्टूबर की छुट्टी रहती है। GH मतलब गजटेड हॉलीडे होती है, जो गवर्नमेंट हॉलीडे, गजटेड बोलते हैं, तो भाई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं, गजटेड हॉलीडे होती है जो पूरे भारत में होती है, तो वो भी मिलती है, तो उसकी छुट्टी आपको रहेगी, कोई भी नहीं बुला सकता। लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, स्पेशल लड़कों की अलग जॉब प्रोफाइल सबके लिए बना रखी है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 दिन ड्यूटी करनी है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, और केवल दिल्ली में ही ड्यूटी करनी है लड़कियों के लिए, ये सुविधा है। ठीक है, अब हम आगे बात करें छुट्टियों की, छुट्टियों की बात करें अब शुरुआत में, जैसे हमने ये बता दी कितने ड्यूटी करनी है, अब छुट्टियों की बात करें, देखो छुट्टियों की बात करें लड़कियों के लिए छुट्टी कैसी है कि आपको तो 30 EL मिलेगी, 30 EL मतलब अर्निंग लीव मिलती है एक साल में, 8 CL मिलेगी कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, ठीक है, कितनी होगी, 38 होगी, 2 RH मिलेंगी आपको, ठीक है, 2 RH मिलेंगी, 2 RH में 17 GH, जी एच अभी हाल बताएंगे हमने, एक साल में 17 GH होती हैं, गजटेड हॉलीडे होते हैं, 17 क्या मिलती हैं, GH मिलती हैं, मैंने क्या क्या बताया अभी, आप 30 CL, 8 CL, 2 RH, 17 GH हो गई। ठीक है, अब हम 20 मेडिकल लीव, मतलब कि आपको एक साल में अगर
कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, बीमार बीमार हो गए तो मेडिकल के रूप में कितनी मेडिकल मिलती है आपको, 20 मेडिकल लीव मिलती है हर फोर्स का यही है। अगर आप एक साल में मेडिकल लीव नहीं ले पाते हैं तो आगे आपकी हर साल की जुड़ती चली जाती है, कभी आपको अच्छी बीमारी हो गई तो पिछले साल की मेडिकल भी आप ले सकते हैं, ये हो जाता है। ऐसे EL में होता है, अगर आप एक साल में EL नहीं लेना चाहते तो अगले साल वो अपनी पिछले साल की EL अगले साल ले सकते हैं, लेकिन CL में नहीं होता है, ये जरूर ध्यान रखें। CL आप एक साल में ख़त्म करनी होती है, अगर एक साल में आप नहीं ले पाई तो आपको अगले साल नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने कितनी छुट्टी बता दी, 3 CL 30 CL 8 CL 2 RH 17 GH, ठीक है। और आप सैटरडे संडे जोड़ लें तो एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी, मतलब सैटरडे संडे 52 दिन 104 डे छुट्टी हो जाएंगी, तो आपको टोटली अगर एक छुट्टी मिलाई जाना 181 आपकी भी छुट्टी बनती है। लेकिन एक चीज़ है इसमें आपको, कि आपको कभी दूसरे दिन बुलाया नहीं जा सकता, सैटरडे संडे आपका फिक्स ही रहेगा, आप सैटरडे संडे ड्यूटी करके ऑफ नहीं बना सकते, यानी छुट्टी नहीं बना सकते, होता है बस ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे गल के लिए होता है। अब हम बात करें इनमें क्वार्टर की, क्वार्टर में रहना होता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में लड़कियों को, तो लड़कियों को क्वार्टर मिलता है सबको, दो SSF में क्वार्टर सबको मिलता है, आपको जाके फॉर्म भरने होते हैं, आपका जब अप्रूव हो जाए तब मिलता है, नहीं जब तक आपको अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको अपनी व्यवस्था बना के रहनी पड़ेगी, ये जरूर ध्यान रखें, अपनी व्यवस्था बना के रहना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ बताना, दिल्ली में जाना है आपको SSF में जॉब कर रहे हैं तो आप खुद की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक चीज़ जरूर ध्यान रखें। आपने क्वार्टर अप्लाई किया, आप किस स्थान पर अप्लाई किया, दिल्ली में बहुत सारे स्थान है, दूर है पास हैं, तो वहाँ पर कितनी वेटिंग चल रही है, कब तक आपको अप्रूव होगा, जब तक तो आपकी खुद की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जैसे अदर पोस्ट में होता है कि आपको बैरक मिल जाते हैं, बैरक अलाउंस मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूर ध्यान रखें। आपको मतलब खुद की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जब अलाउ मतलब कि आपको अप्रूव हो जाएगा आपका क्वार्टर तो आपको वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं एक बार ज़रूर आपको क्वार्टर पर वीडियो बनाऊँगा, किस प्रकार के क्वार्टर होते हैं, कहाँ कहाँ क्वार्टर हैं, कैसे क्वार्टर हैं, आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है, एक बार जाके। अब हम बातें करें खाने की, दो भाई SSF में कोई मैस नहीं है, ना तो लड़कों की मैस है, ना तो लड़कों किसी की नहीं है, ना तो कोई बटालियन है, आपको खुद ही खाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, खुद ही रहना पड़ता है, खुद खाना बनाना पड़ता है, या दूसरे जहाँ भी आप खाने की व्यवस्था बना वहाँ खुद बनानी पड़ती है, सीधी बात है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता, SSF का कोई इंटरफेयर नहीं होता, आपको खुद ही खाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ होगी। देखो अब सैलरी की बात करें तो जितनी सैलरी लड़कों की होती है उतनी सैलरी लड़कियों की होती है, ये तो कोई बात नहीं है कि कम होगी ज़्यादा होगी। फिलहाल में जैसे हमारे बैच की जो लड़कियाँ, हमारे बैच के लड़के, हम जिस साल भर्ती हुए थे उस साल से लेके हमारी 41,000 सैलरी बनती है वर्तमान में, तो लड़कियों की भी 41,000 सैलरी बनती है, जो हमारे बाद बैच आया है उनकी वर्तमान में सैलरी अगर देखी जाए तो उनकी 38,000 सैलरी बनती है, क्योंकि हमारे में इंक्रीमेंट लग गया है, बहुत सारी चीज़ें मतलब जब आप पुराने होते जाते हैं वेतन बढ़ती जाती है, बहुत सारे फैक्ट बढ़ते हैं, अभी तो आप जानते नहीं होंगे इंक्रीमेंट क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते होंगे, DA नहीं जानते होंगे, HR नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते होंगे, कुछ जानते भी होंगे, तो ये इंक्रीज होते रहते हैं, तो जो जितने जल्दी आएगा उतनी वेतन आगे बढ़ती जाएगी, मतलब जितनी ज़्यादा सर्विस होती जाएगी वो वेतन बढ़ती जाती है, जैसे हमारे पिछले बैच के उनकी वेतन हमसे कम ही होगी, ठीक है। हमारे से जैसे पिछले बैच की हैं जो, जैसे हमारे से अगले बैच के जो वो हमसे आगे आ गए वो भर्ती हो गए, उनकी वेतन हमसे भी ज़्यादा हूँ, ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। वेतन की बात है, वेतन लगभग दिल्ली की सबसे ठीक मिलती है, ऐसा नहीं कि, और गवर्नमेंट सैलरी है मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, बिल्कुल आपको लास्ट डेट पर ही सैलरी आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होंगी इनके लिए। अब आप बोलते हैं सर बहुत सारे लड़के सर फैमिली रख सकते हैं, भाई फैमिली खूब रख सकते हैं, अब दिल्ली में रह के इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप फैमिली के साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, लड़के भी रख सकते हैं, लड़कियां भी रख सकती हैं, अपने क्वार्टर पर रहिए चाहे मतलब कि प्राइवेट कोई भी रूम रेंट पर लेके रह सकते हैं, उसमें आप फैमिली के साथ रहिए, किसी शादी हो जाए तब भी रहिए, अकेले भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता ऐसे सब वाले कि आपको अकेले रहना ये रहना वो, कोई ऐसा नहीं होता, तो कई सारी जगह होता है अदर फोर्सों में कि आपको रहने के लिए अकेले ही रहना पड़ेगा ऐसे स्थान पर, जैसे अशांति एरिया होता है तो वहाँ पर फैमिली नहीं ला सकते कई सारे क्षेत्रों में, आप इसमें ऐसा नहीं है, दिल्ली में ही रहना, दिल्ली में आप फैमिली के साथ आराम से रह सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको डाउट होगा, जैसे हमने बता रखा है पहले कि इंस्टाग्राम IT पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं गर्ल्स के बारे में। अब हम बात करें कट ऑफ की, तो गर्ल्स की कट ऑफ देखो लड़कों की कट ऑफ से बहुत कम जाती है, बॉयज़ की कट ऑफ से कम जाती है, जैसे अगर मान लो लड़कों की कट ऑफ 148-149 जा रही है तो लड़कियों की थोड़ी कम चली जाएगी, जैसे 45 भी हो सकती है, पिछले साल की अपेक्षा भी आप देख सकते हैं, देखी होगी आपने बहुत सारे लड़कों ने, बोलते हैं तो अभी आप जितना भी टारगेट कर रहे ना, जैसे
से कट ऑफ पाने के लिए, कैसे सबके हमें नौकरी मिल जाए, तो पिछले साल की अपेक्षा की कट ऑफ की टारगेट की, जैसे पिछले साल मान लो कि 140, हमें ध्यान नहीं है एग्जैक्ट की लड़कियों की कितनी गई थी किस कैटेगरी की, मानने की बता रहे हैं हम, तो अगर मान लो लड़कियों की पिछले साल 140 गई थी मान लो जनरल की, तो कोई लड़की जनरल की है तो आप टारगेट कीजिए कि हमारे 140 नंबर से ज़्यादा ही बने, नहीं पिछले साल को देख कर ही टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि अनुमानता कोई भी कितनी बता दे, ठीक है। अगर आप मान लो कि एग्जाम और जैसे कोई एसटी की है मान लो उसकी 130 गई, तो उसको 130 प्लस टारगेट करके रखे, ये तो नॉर्मलाइजेशन मार्क है, आप रो मार्क 130 प्लस कर रहे हैं तो आपको ऐसे सब आराम से मिल जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये चीज़ें करते रहें आप, तैयारी करते रहें, ठीक है। तो अब बताइए आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि एस एस एफ की जो प्रोफाइल कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, लड़कियों के लिए बेस्ट है कि नहीं है। अदर फोर्स से तो हम बताएं बहुत बेस्ट है लड़कियों के लिए, क्योंकि जैसे कोई भी अदर फोर्स में मान लो सी आर पी एफ में कोई लड़की या गर्ल सेलेक्ट हुई, तो वो जाके यहाँ जंगलों में रहेगी, बैरक में रहेगी, फैमिली के साथ नहीं रह सकती, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती, छुट्टी आसानी से नहीं मिलती, 8 घंटे की ड्यूटी भी नहीं, वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती, कभी भी ज़रूरत पड़ी तभी बुला सकते हैं आपको, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको कैंप में ही रहना पड़ता है, कैंप में ही रहेंगे, वहीं पर फटीक करेंगे, वहाँ पर सब कुछ करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, ड्यूटी करी घर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई फटीक रोल कॉल कोई मार्का से मतलब नहीं होता है। अदर फोर्स में क्लियर है कि शाम को फटीक भी होगी ड्यूटी करने के बाद, रोल कॉल भी होगा सुबह शाम, सुबह में रोल कॉल होगा, मार्का लगेगा, ये सब होता है, ठीक है, ब्रीफिंग होगी, हर चीज़ होती है। तो आपको किस प्रकार की फोर्स लगी है सर लड़कियों से विशेष है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी पर हमसे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।